खुशखबरी नहीं हुई। अब ये चाहते हैं कि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लें। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं पर ईडी की कार्यवाही चल रही है, उनको भी अरेस्ट कर ले ताकि मोदी जी को विपक्ष का सामना ना करना पड़े। इसीलिए ये अरेस्ट की जो बातें हो रही है वो कई दिनों से बीजेपी करती आ रही है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हर इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। अब तक ईडी के जितने भी समन्स आए हैं वो इलीगल हैं और इसीलिए हमने इस समन्स का रिस्पॉन्ड नहीं किया है। सर, ये खबर कहाँ से आई कि आज कहाँ से बैठ हो रही है, ये कहाँ से खबर आपको देखिए? और ईडी ने कहा है कि ये खबर फाल्स है, झूठी है, कि कोई रेड आज नहीं हो रही है ईडी की तरफ से। देखिए, पिछले रात को पुख्ता सूत्रों के हवाले हमें पता चला था कि ईडी की रेड होने वाली है, अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। और आप इसकी पहले की एक क्रोनोलॉजी देख लीजिए, जब मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे तो सबसे पहले बीजेपी वाले उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अरेस्ट होने वाले, ईडी ने खारिज किया था। क्या हुआ? मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए। जब संजय जी अरेस्ट होने वाले थे तो सबसे पहले बीजेपी के नेतागण बोलना शुरू कर दिए थे कि 24 घंटे में इनकी अरेस्ट होना तैयारी आप कर लीजिए। ईडी ने तब भी खारिज किया था, लेकिन संजय जी अरेस्ट हुए हैं। अब पिछले 24 घंटों से आप देखिए, समन्स जारी होने से पहले बीजेपी को पता चल जाता कि समन्स जारी होने वाला है। पिछले 24 घंटे से हरेक बीजेपी का नेता कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। मतलब साफ है कि अरेस्ट का वारंट अगर निकलेगा तो बीजेपी के दफ्तर से निकलेगा, ईडी बात कार्यवाही करेगा। इसलिए हमने कहा है कि ये होना तय है। ईडी कह रही है कि अफवाह है, ईडी कह रही है कि अफवाह है, आज कोई छापेमारी नहीं हो रही है, आज कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। क्या कहेंगे आप इस पे? अभी भी आपकी खबर आपको कहां से मिल रही है? नहीं, जो भी हमें सूत्रों के हवाले ही मिली है ये खबर। और आप सबने देखा कि सुबह पुलिस की बड़ी जो एक गैदरिंग थी केजरीवाल जी के घर के बाहर थी, तो हम अब सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे। ईडी का कोई आधिकारिक स्टेटमेंट हमें अब तक नहीं मिला है, लेकिन वो स्वतंत्र हैं, कभी भी अगर कुछ भी अगर उनकी प्रक्रिया होती तो हम तब उसका जवाब देंगे। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भगोड़ा कहा जा रहा है, इस तरह के बयान आ रहे हैं लगातार। सर, उन पर आरोप भी लगा रहे हैं कि सवालों का जवाब नहीं, और आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। देखिए, पहले बीजेपी इस सवाल का जवाब दे दे कि इतने जो बड़े दिग्गज नेता हैं, छगन भुजबल है, सुवेंदु अधिकारी है, हेमंत बिश्वा शर्मा है, इन लोगों पर समन्स तक जारी नहीं होता। बड़े बड़े आरोप, बड़े बड़े स्टिंग वीडियोस, बीजेपी ने खुद आरोप लगाए हैं। 70,000 करोड़ का जो आरोप लगाया है सबकी सबसे बड़े करप्ट पार्टी का एनसीपी के ऊपर, उनकी पार्टी के साथ अलायंस करके उनके आधे नेता जिनके ऊपर ईडी सीबीआई के केसेस चल रहे हैं उनको आपने कैबिनेट में शामिल कर दिया। तो भाग कौन रहा इन्वेस्टिगेशन से और कौन इन्वेस्टिगेशन का सामना करने के लिए तैयार है वो मेरे ख्याल से देश बखूबी जानता है। आज बीजेपी से ज्यादा बेशर्म और जिसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है करप्शन पे बात करने वाली ऐसी कोई पार्टी नहीं है। और मैं कहूंगा कि ईडी की भी क्रेडिबिलिटी पे आज बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देश जान चुका है कि केवल और केवल विपक्षी नेताओं के ऊपर क्यों ईडी के सारे छापे होते हैं, अरेस्ट होते हैं, समन्स होते हैं। और इस वाला जो कथित शराब घोटाला है उसकी तो आप ये बात सब जानते हैं कि 2 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरे ख्याल से देश का इतिहास में ये पहला केस होगा कि 1 रुपए तक की आपकी रिकवरी नहीं हुई है, 1 पुख्ता सबूत नहीं मिला है, फिर भी आप सारे जो नेता हो है और पूरी आम आदमी पार्टी को जेल में डाल रहे हो। मतलब साफ है, आपको आम आदमी पार्टी को खत्म करना है और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना है।